हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे डेट फ्री शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जिसने पिछले 6 महीने में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ओके, जिसके पीछे की कुछ रीज़न भी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये शेयर है, तो उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल्स देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। शेयर का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये शेयर करता क्या है? क्विक हील का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये एक एंटीवायरस प्रोवाइडिंग कंपनी है। ओके, जो आपको एंटीवायरस प्रोवाइड करती है। आप लैपटॉप लेते हैं या फ़ोन लेते हैं या आप कंप्यूटर में इस एंटीवायरस ज़रूर रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके की भारी जो इंट्रूडर्स होते हैं, जो भारी अटैक होते हैं, उनसे बचाने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। एक आर्टिकल की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। तो देखिए, एक आर्टिकल है कि लगभग 143 मिलियन मालवेयर अटैक हुए इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ द फिस्कल। मतलब एक जो 2020 जो सेकंड क्वार्टर है, इसमें लगभग 14 करोड़ 30 लाख मालवेयर अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई है। ओके, तो इस कंपनी का बिजनेस इस वजह से काफ़ी भागा भी है। तो होता क्या है इसमें, आपको मालवेयर अटैक से ये कैसे बचाता है? तो आपके आपके अगर मोबाइल या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो किसी भी तरीके का अननेसेसरी, ओके, जो उन्हें लगता है कि ये बेफालतू का ईमेल है, ओके, कुछ फिशिंग है इसमें, तो वो ऐसे ईमेल्स को ऑलरेडी आपको पॉपअप कर देता है और कहता है कि इस तरीके के ईमेल्स को आप काइंडली इसे ओपन ना करें, क्योंकि ये कुछ किसी तरीके का ट्रैप हो सकता है। तो ऐसे ही आपको बताना चाहता हूँ कि एक आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु नाम से एक एप्लीकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि ये आरोग्य सेतु एक कोविड से रिलेटेड एप्लीकेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। तो इस तरीके के आरोग्य सेतु के नाम से ही फेक एप्लीकेशन काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे, कि जिस पे आपने क्लिक किया, अपनी आईडी बनाई, तो आपकी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आपके बैंक से आपकी काफ़ी सारा पैसा आप गायब भी हो सकता है। तो इसलिए एंटीवायरस काम क्या करता है? एंटीवायरस उस तरीके के ईमेल्स, इस तरीके का मैसेज, इस तरीके की कोई भी आप सस्पिशियस चीज लगती है, तो उसे हटाने और उसके पॉपअप देने का काम करती है, कि ये इसे प्लीज़ इस पर टच ना करें, इस पर टैप ना करें, अदरवाइज़ आप उसमें फंस सकते हैं उनके ट्रैप में। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, इसी तरीके का एक ईमेल मेरे दोस्त के कंपनी में भी आया था, और सबको, उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय को एक मेल आया था कि इस पे आप क्लिक करिए आपकी सैलरी से रिगार्डिंग, और सैलरी का देखते ही साथ लोग क्लिक भी कर देते हैं। तो उनकी कंपनी ने कह दिया, ये किसी ने, हमारे एचआर या किसी ने भी ये ईमेल नहीं भेजा है, तो इस पे क्लिक ना करें, क्योंकि अगर इस पे क्लिक किया तो सारा का सारा डेटा वो हैकर्स के थ्रू हैकर्स के पास पड़ जाता है, उनके पास हाथ में लग जाता है, और वो इसका मिसयूज़ करके और एक भारी डिमांड एज अ बिटकॉइन या आपसे प्रोवाइड आपसे मांगते हैं, कंपनी से मांगते हैं, जिसमें उन्हें कर मिलियंस ऑफ रुपीस देने पड़ जाते हैं। तो आपने बीच में बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा, तो वो बिटकॉइन के रूप में भी पैसे लेते हैं। तो इस तरीके के अटैक होते रहते हैं, और इस टाइम ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, क्योंकि कोविड है, लोगों की जॉब जा चुकी है, और इस तरह, और ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, और केवल इंडियन ही इंडिया को भेजे ऐसा नहीं है, कहीं से भी, फॉरेन से भी या कि कहीं से भी कोई भी इस तरीके के हैकर्स होते हैं, जो इस तरीके के मैसेज भेज के आपके अकाउंट को, आपने इस पर क्लिक किया और आपके अकाउंट को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी इन्फॉर्मेशन लेके तुरंत आपके पैसे, आपके अकाउंट से पैसा, आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस, सब कुछ गायब कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो क्विक हील कंपनी है, आपको क्या प्रोवाइड करती है? एंटीवायरस प्रोवाइड करती है, सो दैट आप इस तरीके के इंट्रूडर अटैक से बच सके। तो ये आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, और इसको मैंने चूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये पिछले 6 महीने का ईयर टिल डेट का हम डेटा देखेंगे, तो लगभग 68 रुपये पे एक कंपनी चल रही थी, और अभी लगभग 168 रुपीज़ पे, 163 पे कर रही है। मतलब 6 महीने में किस तरीके के बेहतरीन इसने रिजल्ट पेश किया है, देखिए 6 महीने का रिजल्ट देखिए, लगभग 122.51% के रिटर्न आपको दिए है, और लॉन्ग ज़्यादा टाइम इस कंपनी का हुआ नहीं है, 4 ईयर्स में आपको नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, नो डाउट आपको ऐसा ही दिख, ये है भी
क्योंकि जब से ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, लिस्टेड हुई है, तब से ये देखिए आपको नेगेटिव में ही दिखाई दे रही है। इसका अगर हम ऑल टाइम हाई भी देखते हैं तो लगभग 378 रुपीज़ के आसपास है, जिससे अभी वे फार फार अवे है। तो हम आशा कर सकते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट पेश करे, क्योंकि और ये एकमात्र इंडियन एंटीवायरस कंपनी है जो इंडिया इंडिया की कंपनी है, क्योंकि खिली एक टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये इंडिया की कंपनी है। आपने और भी दूसरे एंटीवायरस का नाम सुना होगा, जैसे कि नॉर्टन हो गया, मारवेयर हो, नॉर्टन हो गया, जो कि फॉरेन की कंपनी है, और भी बहुत सारे फॉरेन के एंटीवायरस आपको मिल जाएंगे, बट क्योंकि खिल एक इंडिया की कंपनी है तो ये फाइनली अभी भागना शुरू करी है। और आईटी के शेयर आपको पता ही है किस तरीके से जंप पे जंप कर रहे हो टेक्नोलॉजी से आजकल। ऐसे आप बताइए, आईटी से ही सब काम हो रहा है, वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो इसका यूज़ होना डेफिनेटली ज़रूरी है ही, क्योंकि अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो अगर इस तरीके फिशिंग मेल आते हैं, फिशिंग किसी तरीके की एक्टिविटी होती है, तो पल भर में कुछ रुपये को अगर हमने नहीं डाला और कुछ हमने ईमेल्स पे या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी पे हमने क्लिक कर दिया, तो मिनटों में मिलियंस ऑफ रुपीज़ कंपनी के गायब हो सकते हैं, एज वेल एज आपका इंडिविजुअल भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस तरीके की इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स के पास लगभग 72.83% के शेयर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर 2.16, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, और डोमेस्टिक DIS 0.12 और नॉन इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं 24.88% के 88% की शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर्स इनके पास है। एज वेल एज हम अगर इसके बात की जाए 52 वीक लो और हाई की, तो 19 मार्च को 63 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, तो आज के दिन ही इसने 52 वीक हाई बनाया लगभग 163 रुपीज़ का, और लगभग 30% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई हुई दिखती है। कंपनी इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू, और डिविडेंड की बात की जाए तो 4 रुपये का डिविडेंड इस साल दिया है, 2 रुपये का लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर बायबैक भी ये लेके आए थे, और जीरो मतलब कोई भी किसी भी तरीके की प्लेजिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कर्ज में इनका शेयर नहीं है, कोई भी शेयर इन्होंने कर्ज में नहीं रख रखा, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हम इसके बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स देखिए घटते हुए मैनर में आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल लगभग 584.01 करोड़ रुपीज़ के रिजर्व्स इसके इस कंपनी के पास है, तो अच्छे रिजर्व्स हैं। बोरोइंग की बात की जाए तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि ये डेट फ्री कंपनी है, मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, जीरो, तो किसी भी तरीके का इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और इसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ये लगभग 73.51 करोड़ रुपीज़ के कैश एंड बैंक बैलेंस इनके पास है अभी, तो काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट आपको दिख रही है। कुछ पैरामीटर्स इसमें सही नहीं दिख रहे, क्योंकि रिजर्व्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, एज वेल एज यहाँ पर स्टार्टिंग में बढ़ते और फिर घटते हुए नज़र आ रहे हैं, और इनका जो चार्ट पैटर्न है लॉन्ग टर्म वो भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि 4 साल ही कंपनी को हुए है, तो स्टार्टिंग में कंपनी डेफिनेटली 4-5 साल में हम कंपनी का भविष्य तय नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग में 5, 10, 15 साल तो कंपनी इसी तरीके से चलती हुई नज़र आती है। आप किसी भी बड़ी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, चाहे बजाज फाइनेंस को देख लीजिएगा, किसी को भी देख लीजिएगा, टाइटन को देख लीजिएगा, एक लॉन्ग टर्म इसी लॉन्ग टर्म ये इसी दायरे में घूमते रह जाते हैं, बट अगर कंपनी में पोटेंशियल होता है, अच्छी कंपनी होती है, बिजनेस यूनिक होता है, कुछ अच्छा काम करती है, ओके, तो डेफिनेटली आने वाले 5 से 10 साल और 15 साल में कंपनी बढ़ती हुई नज़र आती है और चार्ट पैटर्न का हरा नज़र आता है। बट अभी चार्ट पैटर्न कुछ खास नहीं है इनका, तो आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत भाग चुकी है। आपको दिखाना चाहता हूँ कितना ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है कितने 122% के रिजल्ट रिटर्न इसने दिए, तो कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है, बट स्टिल इसमें कुछ ना कुछ जान है। न्यूज़ इस और 10% का आज भी जम देखा गया, लगभग 15 पॉइंट्स का, तो इसे वॉच लिस्ट में रखिए ताकि आप इसे डेली वाइज ट्रैक कर सकें, और अगर मौका मिले तो 5-10 शेयर आप खरीद सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको शेयर बाजार से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।